दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की डेली अपडेट्स चाहते हैं या फिर अगर आप कोई प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हैं, इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाना चाहते हैं या फिर आप जो है सरकारी नौकरी के जो एग्ज़ाम होते हैं, कैसे एग्ज़ाम होते हैं वो फ्री में देना चाहते हैं, तो आप जो है इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है, जहाँ पर दोस्तों आप विजिट करके ये सारी सुविधाओं का मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे उसका नाम है UPPCL ARO की जो है वैकेंसी आ रखी है दोस्तों। इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे आज इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में जो है बेल आइकॉन का भी लिंक होगा उसको ऑन करके आप ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप पे जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे UPPCL ARO की वैकेंसी हम बताने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले बता दूं मैं, ये जो है नई वैकेंसी निकली हुई है UPPCL की तरफ से, जहाँ पे दोस्तों ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे असिस्टेंट रेवन्यू ऑफिसर्स के लिए है वैकेंसी आ रखी है। 36,800 सैलरी यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, पे स्केल जो है दोस्तों यहाँ पर 6 है, लेवल 6 का पे स्केल है। देन दोस्तों, इसका अगर बात किया जाए कि कैटेगरी वाइज कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए टोटल जो वैकेंसी है 16 वैकेंसी आ रखी है। जनरल्स की जो है 3 वैकेंसी, EWS की 1 वैकेंसी, OBC की 6 वैकेंसी और 6 वैकेंसी जो है SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पे अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते वो जो है यहाँ पे जनरल्स काउंट होंगे। देन दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो रखी गई है, जो अगर आप OBC या फिर जनरल्स हैं तो आपके लोगों के लिए 1,000 रुपये का फॉर्म है। SC ST कैंडिडेट के लिए 700 रुपये का फॉर्म यहाँ पे रखा गया है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले जो है एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो है मिनिमम जो एज रखा गया है दोस्तों वो 21 साल रखा गया है, और जो मैक्सिमम एज यहाँ पे रखा गया है दोस्तों वो 40 साल रखा गया है। तो यहाँ पे 21 से लेकर 40 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों, बाकी जो रिलैक्सेशन है, जैसे कि यहाँ पे बात की जाए SC ST के लिए जो है 5 साल का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। देन दोस्तों, बात किया जाए यहाँ पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे दोस्तों जो UPPCL की ARO की वैकेंसी है इसमें कोई भी ग्रेजुएट के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको हिंदी में जो है 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग भी आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे BE BTEC, BSc, BBA, BA, BCOM ये सारे कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों, बात किया जाए इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्म है आपको 9 सितंबर से जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पे 29 सितंबर 2020 रखी गई है। इससे पहले जो है दोस्तों फॉर्म को फिलअप कर लेना है। देन दोस्तों, यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट भी दे रखा है, अक्टूबर 2020 के लास्ट वीक में जो है आपका यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। देन दोस्तों, बात कर रहे हैं कैसे इसको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप जो है मैंने आप लोगों के लिए लिंक में ही नीचे अगर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहाँ पे मैंने एक लिंक दे दिया है, जहाँ पे दोस्तों आप जो है क्लिक यहाँ पे करके अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आप जो है उसको क्लिक हियर करके आप जो है फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों, अगर आप और भी सरकारी नौकरी देखना चाहते हैं तो आप जो है इसके नीचे वेबसाइट पर विजिट कीजिए। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया गया है दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों डेली जो है आपको सरकारी नौकरी मिलती है। तो इन सब वेबसाइट का लाभ उठाने के लिए आप जो है quicktechdegree.com पे जाके फॉर्म को और नई नई वैकेंसीज, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी हो दोस्तों, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट पर जाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।